Chapter number 12, Diminishing Musharaka. Remember, Musharaka is a kind of partnership. And if we talk about the word diminishing over here, it means jo aahista aahista waqtan fa waqtan apni waqt kho jayega aur ek waqt aisa aayega ki ye musharaka yani partnership khatam ho jayegi. So hum aise musharaka ko is chapter mein discuss karenge jiske andar partnership inbuilt rules ki wajah se दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स के अंदर मौजूद उस टर्म्स एंड कंडीशंस को जिसकी वजह से पार्टनरशिप बनी थी ख़त्म कर देगी. सो लेट्स लुक एट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डिमिनिशिंग मुशारका. वी नो अबाउट मुशारका. मुशारका इज़ अ पार्टनरशिप. हमने दो तरह की पार्टनरशिप को पीछे डिस्कस कर लिया हुआ है. आगे चलते हैं. रिमेंबर अनदर हाईलाइट मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ऑलरेडी कर दिया बिकॉज व्हेन यू विल बी एबल टू रीड इट यू कैन क्विकली स्किम थ्रू इट फॉर द पेपर ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पेपर. सो develop in the near past, right in the first lecture which I had given you in the class, it was discussed over there also that since Islamic banking is in the form of commercial enterprise is not as old as the conventional banking is, we are into the process of research and development and we are coming up with all the possible ways in which we can use the injunctions of Islamic business models to cater the need of current requirement of our clients. तो हम ऐसे नहीं चल रहे हैं कि हम चीज़ों को निकाल रहे हैं और फॉर द पर्पज ऑफ रिसर्च निकाल रहे हैं. हम उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से चल रहे हैं. सो बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि करंट बैंक्स जो कन्वेंशनल तरीके से हमें सर्विसेज दे रहे हैं, इन सर्विसेज को क्या हम इस्लामिक फाइनेंस इस्लामिक बैंकिंग के ज़रिए भी दे सकते हैं या नहीं, क्योंकि अभी की ये ज़रूरत है. हमने करंट ज़रूरियात को पूरा करना है. जब हम हर बैंकिंग सर्विस की अल्टरनेट सर्विसेज इस्लामिक बैंकिंग में दे देंगे तो फिर हम कह सकते हैं कि हम इस्लामिक बैंक जो है वो रिप्लेसमेंट बन चुका है कन्वेंशनल बैंक की. तो सबसे पहले हमें उसी को देखना है. तो इसी प्रिंसिपल के ऊपर चलते हुए नियर पास्ट के अंदर रिसेंट जो कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल हुआ है जिसकी हमारे पास अब इम्प्लीमेंटेशन मार्केट में अवेलेबल है, दैट इज़ डिमिनिशिंग मुशारका. अब इसमें होता क्या है डिमिनिशिंग मुशारका के अंदर, इनिशियली हम उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं और फिर आगे डिफरेंट एग्जांपल्स को लेके चलेंगे चैप्टर के एंड तक चलेंगी कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है और वो चीज़ मेरे पर्सनल यूज़ के लिए भी हो सकती है और वो बिजनेस यूज़ के लिए भी हो सकती है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं या पैसे कम हैं तो मैं किसी और शख्स से कहता हूं कि आप आए मेरे साथ पार्टनरशिप करें और मुझे ये चीज़ ख़रीद के दे दे. अब हम कुछ पैसे मैं ऐड करता हूं, कुछ पैसे वो मेरा पार्टनर फाइनेंसर ऐड करता है और वो चीज़ ख़रीद के ले ली जाती है और उसके बाद वक्तन फवक्तन मैं उस चीज़ को इस्तेमाल करने का किराया और उस चीज़ के अंदर जो फाइनेंसर का हिस्सा है वो आहिस्ता आहिस्ता मैं वापस करता जाता हूँ और एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं उस फाइनेंसर के तमाम पैसे वापस कर चुका होऊंगा और फिर इवेंचुअली वो जो पार्टनरशिप थी वो ख़त्म हो जाएगी क्योंकि फाइनेंसर का उस पार्टनरशिप के अंदर अब कोई हिस्सा मौजूद नहीं है. सो दिस इज़ वेयर वी स्टार्टेड अ मुशारका एंड इट इवेंचुअली डिमिनिश्ड. सो दिस इज़ हाउ वी वर्क ऑन डिमिनिशिंग मुशारका. यहाँ पे एग्जाम्पल्स के साथ क्या हुआ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक होम फाइनेंसिंग चाहिए, घर चाहिए, what can I do? I can go to a bank मैं बैंक से कहता हूँ कि मेरे पास 20% पैसे हैं और 80% आप पैसे अपने एंटर कर दें और मिल के एक घर खरीदते हैं. बैंक कहता है ठीक है. अब बैंक कहता है कि इसको इस्तेमाल कौन करेगा? आप कहते हैं मैं करूँगा. आप कहते 80% बैंक ऑनर है, 20% मैं हूँ. उस घर का किराया जितना बनता है उसका 80% किराया बैंक को चला जाएगा एज अ रेंट और उस घर के जो 80% इन्वेस्टमेंट है उसके हमने यूनिट्स बना लिए, ईच यूनिट रिप्रेजेंटिंग 10%, 5%, 1% जितना भी आपका दिल करता है. तो मैं किराया भी पे करता हूँ और वो ऑनरशिप के पैसे भी वापस करता है. तो फॉर एग्जांपल 80 लाख रुपए मैंने बैंक से लिए और 10% का मतलब है 8 लाख रुपए एक साल में मैंने पे करने थे. मैं हर साल के शुरू में 8 लाख पे कर देता हूँ तो बैंक का 10% हिस्सा उसको चला जाता है. बैंक के बाकी रह गए 70 लाख या 70%. मेरा हिस्सा 20% से बढ़ के 30% पे चला जाता है तो अगले साल मैं किराया 70% उसका दूंगा. उससे अगले साल मैं पेमेंट करता हूँ तो आई विल बिकम
40% owner and bank will become 60% and one day bank will become 0% owner and I'll be 100% owner. इस तरह से बैंक ने अपना पैसा मुझे दे के मेरी ज़रूरत को पूरा किया और उसके साथ साथ बैंक ने उस पैसे के ऊपर इनकम भी कमाई और मेरी ज़रूरत भी पूरी होगी और एंड में जो हमारी पार्टनरशिप थी वो ख़त्म होगी, दैट इज़ कॉल्ड एज डिमिनिशिंग उशार का। इसी की एक और एग्जाम्पल जो हमारे पास फर्दर यहाँ पर मौजूद है, दैट इज़ बेसिकली परचेज ऑफ टैक्सी। मुझे कारोबार पर्पज़ के लिए, कारोबार के लिए एक व्हीकल की ज़रूरत है और मैं उसको ऊबर के टीम के ऊपर चलाना चाहता हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं आपसे कहता हूँ कि जी आप मुझे पार्टनरशिप पे गाड़ी ख़रीद के दे दें, 20% मेरे पास पैसे हैं और 80% पैसे जो हैं वो आप मुझे दे दें। अब गाड़ी में 20% मलकियत मेरी है, 80% मलकियत मेरे फाइनेंसर की है। जब गाड़ी चलेगी और लेट सपोज उसके ऊपर मैं 1,000 रुपये कमाता हूँ तो उसमें से 80 यानी 800 रुपये जो हैं वो सेकंड पार्टी के हैं जिसके पैसे हैं और 200 रुपये जो हैं वो मेरे बनते हैं क्योंकि 20% मैं मालिक हूँ। और उसके साथ साथ मैंने उन 80% को 8 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है और वक्तन फवक्तन मैं यूनिट्स को पे करता जाऊंगा और आहिस्ता आहिस्ता मेरी ओनरशिप बढ़ती जाएगी और जिससे मैंने पैसे नहीं है उसकी ओनरशिप कम होती जाएगी। लेट सपोज अगर उसके 70 हो जाते हैं तो 10% बढ़ के मेरे 30 होंगे और एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं उसके सारे के सारे पैसे दे दूंगा, लेकिन उसके पैसों के साथ साथ उसको उसका इनकम का फैक्टर यानी रिटर्न भी मिलता रहा है। रिमेंबर यहाँ पे फिक्स रिटर्न नहीं है, ये सूद नहीं है, कमाई के अंदर से रिस्क एंड रिटर्न के जरिए मिला। मिसाल के तौर पे अगर गाड़ी जल जाती तो फिर तो नुकसान उसी रेशो में होता है जिस रेशो में इन्वेस्टमेंट होती है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो 20% नुकसान मैं बर्दाश्त करता और 80% नुकसान जो है वो उस फाइनेंसर को बर्दाश्त करना पड़ता। अनदर एग्जाम्पल इज मैं कारोबार शुरू करना चाहता हूँ और रेडीमेड गारमेंट्स की एग्जाम्पल है, मेरे पास 40% पैसे मौजूद हैं और 60% मैं किसी और शख्स से कहता हूँ आप इन्वेस्ट करें। कारोबार में 60% प्रॉफिट का हिस्सा उसका होगा, 40% मेरा और उसके हिस्से को मैं 6 इक्वल यूनिट्स में डिवाइड कर देता और उसी तरह मैं प्रॉफिट में 60% उसको दूंगा और साथ साथ उसके यूनिट्स को पे करता जाऊंगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि सारे के सारे यूनिट्स पेड ऑफ हो जाएंगे और 100% कारोबार मेरा हो जाएगा। एक कन्वेंशनल बैंक की जो फाइनेंसिंग टेक्निक होती है उसकी रिप्लेसमेंट जो है वो डिमिनिशिंग मुशारका के तौर पर है। तो अगर मैं कन्वेंशनल बैंक से एक घर खरीदने के लिए, गाड़ी लेने के लिए और अपना बिजनेस चलाने के लिए लोन लेता तो 60-40 की बात नहीं होती, वहाँ पर सिंपल है कि क्या आपको पैसे कितने चाहिए और उस पैसे के अगेंस्ट अगर आप अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी और रीपेमेंट का प्लान दे देते हैं तो आपको पैसे मिल जाएंगे। तो लेट सपोज अगर मुझे 60 लाख रुपए बैंक से लिए हैं तो बैंक विल नॉट से कि आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, बैंक विल सिंपली से काइबर प्लस 3%, 7.5% काइबर है, 3% 10.5% पर मंथ इंटरेस्ट आपने मुझे पे करना है, दैट इज एनुअल सॉरी बट इट इज़ डिवाइडेड इनटू 12 टू कैलकुलेट व्हाट इज एक्चुअली द पर मंथ। So this is how the bank is going to get fixed income on its investment and everything which is fixed is called as RBA and it is prohibited. तो ये अलाउड नहीं है, लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट हम इस्लामिक बैंकिंग में इस तरह से लेके आए कि हमने इंटरेस्ट को साइड पे कर दिया और कहा कि इंटरेस्ट की जगह इनकम में से हिस्सा लें, क्योंकि इनकम फिक्स नहीं होती, कभी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है और रिस्क शेयर कर रहा है बैंक या फाइनेंसर, तो इस तरह से ये चीज़ हलाल हो गई। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू बेसिस, सिंपल एक जॉइंट ऑनरशिप क्रिएट करनी है आपने और उसके बाद फाइनेंसर को उसका शेयर पे करना है इन द फॉर्म ऑफ रेंट या जो भी प्रॉफिट है। उसके बाद एक प्रॉमिस होगा जिसके अंदर क्लाइंट कहेगा यानी जिसने फाइनेंसिंग करवाई है वो ये कहेगा कि मैं आपका हिस्सा खरीदूंगा यानी आपके पैसे आपको वापस कर दूंगा और वक्तन फवक्तन और एंड पे सारी की सारी एडजस्टमेंट जो है वो रेंटल्स की होती जाएगी। रेंटल्स की एडजस्टमेंट का मतलब यहाँ पे है कि शुरू में अगर मेरे 20% थे तो एक यूनिट खरीदने के बाद मेरा इन्वेस्टमेंट में हिस्सा 30% हो जाएगा, तो नेक्स्ट रेंट की पेमेंट 70% होगी, 80 नहीं होगी क्योंकि अब फाइनेंसर का पोर्शन कम हो चुका है। उससे नेक्स्ट रेंट जो फर्दर 70 की बजाय 60 हो जाएगा, उससे नेक्स्ट रेंट जो है वो 50 हो जाएगा क्योंकि मैं हर इंटरवल के बाद फाइनेंसर का पोर्शन उसको वापस करता जा रहा हूँ। इन शॉर्ट फाइनेंसर का पैसा कम हो रहा है बिजनेस में, उस इन्वेस्टमेंट में, उस एसेट के अंदर और मेरा पैसा जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये फर्दर कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं
कि यहाँ पे आपने ज्वाइंट ऑनरशिप को क्रिएट करना है, यहाँ पे कुछ डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स बनाए हुए हैं, वी आर लेस इंटरेस्टेड एट दिस मोमेंट व्हाट डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट आर सेइंग, बट वी आर मोर इंटरेस्टेड कि ये डेमोलिशन मुशारका चल कैसे रहा है। ये वही पॉइंट आगे चल रहे हैं। यू कैन स्किप देम इवन इफ यू वांट टू, अगर आपका दिल कर रहा है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, बट दीज आर सम थियरी बेस्ड एग्जाम्पल्स जो यहाँ पे दी हुई हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन रेज किया गया है, ऑब्जेक्शन यहाँ बाइबल वफा या इस पूरे पैराग्राफ के अंदर जो डिस्कशन चल रही है वो ये है कि देखें, एक शख्स आपको घर खरीद के देता है और उसी टाइम वो कहता है, आप उसे कहते हैं कि ये घर आपसे जब मैं चाहूँगा आपसे खरीद लूँगा, तो ये कंडीशन ना हुई। आई रिपीट अगेन कि मैं बैंक की एग्जांपल लेता हूँ, बैंक मुझे घर खरीद के देता है और मैं बैंक से उसी टाइम कहता हूँ कि आप ये घर सिर्फ मुझे ही बेचेंगे क्योंकि मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, तो ये तो एक सेल की अंदर एक प्री कंडीशंस हो गई जो कि शायद बैंक चाहता तो उसको किसी और को भी भेज सकता था, तो आप ही को क्यों भेजे वो, रीसेल करे, रीसेल आप ही को क्यों करे वो, किसी और को क्यों नहीं कर सकता। तो ये एक ऑब्जेक्शन है, लेकिन उस ऑब्जेक्शन को डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स ने ओमेट किया है और कहा है कि नहीं, ये एक कंडीशन है जो कि ऑलरेडी डिसाइडेड है, जिस तरह एक सेल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। तो फिर एक और ऑब्जेक्शन आया कि भाई उसी सेल के कॉन्ट्रैक्ट में क्यों आप कंडीशन लगाते हैं, तो कहते हैं फाइन लेट्स मेक टू सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स, पहला कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मिलके घर खरीद लेते हैं और उसको सेपरेट कर लेते हैं, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि आप उसी टाइम ये कह देते हैं कि ये अगर घर मैंने खरीदा तो मैं आपको बेच दूंगा। सो दिस इज देयर, वंस देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल एंड देन देयर इज एन एग्रीमेंट टू बाय, दो अलहदा अलहदा हमारे पास जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट ही लोकल लैंग्वेज में कहते हैं वो चल रहे हैं, कि बैंक ने पहले से ही बयाननामा कर लिया हुआ आपके साथ कि मैं ये घर आपके साथ बेचूँ, मैं आपको बेचूंगा, जैसे हम पहले ही किसी प्रॉपर्टी को परचेज करने से पहले इनिशियल टोकन मनी देते हैं तो कहते हैं जी बयाना हो गया, वो बयाना लिख लिया जाता है कि ये घर इतने का इतने पैसों के एवज में इस महीने की इतनी डेट के अंदर अंदर पैसे जमा कराने की हासिल करने की सूरत में आपको भेज दूंगा, तो बैंक भी उसी कैटेगरी में। तो बजाय इसके कि हम एक ही चीज़ में दोनों चीज़ें लिखते हैं, हमने दो सेपरेट कॉन्टेक्स्ट बता दिए और उसी की डिस्कशन इन पैराग्राफ्स के अंदर है। यहाँ पे कुछ बैंकिंग पर्पस के साथ बताया हुआ है कि आप किस तरह से होम फाइनेंसिंग को बैंक को एज अ कस्टमर, एज अ फाइनेंसर और आप एज अ क्लाइंट यूज करते हुए कैसे कर सकते हैं, तो ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि एक एग्रीमेंट टू ज्वाइंट परचेज और उसके बाद लीज होगा, पहले मिलके खरीद रहे हैं और फिर लीजिंग होगी और इसी तरह से सारा प्रोसेस चलता रहेगा। यहाँ पे एक एक्सेप्शन या एक एडिशन किया है वो, जो अभी ऊपर एक्सेप्शन आई या एक ऑब्जेक्शन आया कि आप एक ही वक्त में दोनों चीज़ें नहीं कर सकते, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे कवर किया गया है विद इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के। जब कभी भी आप अपना हिस्सा जो कि बैंक को पे करेंगे कि ये 10% आप अपने पैसे ले लें, तो उसके अंदर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कर दें कि बैंक ने 80% डाले हुए थे, जब आप बैंक को 10% हिस्सा देने लगे तो बैंक से पूछेंगे क्या अपना 10% हिस्सा बेचना चाहेंगे मुझे, तो बैंक आगे से डेफिनेटली एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस तरह से हर दफ़ा जब आप उसको बैंक का शेयर पे करेंगे तो एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो वो प्रॉब्लम जो कि ये ऑब्जेक्शन रेज किया जा रहा है कि ये क्यों हो रहा है कि आप एक ही चीज़ इकट्ठी करते जा रहे हैं प्री डिटर्मेंड माइंड के साथ, तो वो प्री डिटर्मेंड माइंड भी यहाँ पे ख़त्म कर दिया कि यहाँ पे अब ऑफर और एक्सेप्टेंस हर शेयर को पे करने से पहले, हर शेयर को रिसीव करने से पहले की जाएगी और हर दफ़ा एक बाय लॉ नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। और एक और चीज़ जो यहाँ पे कवर अप की गई है, दैट इज़ बेसिकली द मार्केट वैल्यू, जब घर खरीदा गया था तो उसकी मार्केट वैल्यू कुछ और होगी और जब बेचा जाएगा तो उसकी मार्केट वैल्यू कुछ और हो सकती है, तो अगर हम बिल्कुल फ्लैट चलते तो वो चीज़ फिक्स हो जाती और फिक्स करना अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे एक और प्रोसेस क्या हो सकता है कि आप उसकी मार्केट वैल्यू को देखें, तो अगर मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो गई है, अब वो घर में 80% का जो पोर्शन है वो घर 1 करोड़ से बढ़ के 2 करोड़ का हो चुका है और 80% अब 1,60,00,000 है, और उसी तरह जो 20% था वो अब 40 लाख नहीं, 20 लाख नहीं बल्कि 40 लाख हो चुका है, तो आपने फिर उसकी पेमेंट को भी उसी हिसाब से मार्केट वैल्यू के साथ एडजस्ट करना है, फिक्स नहीं करना।
सर्विसेज के अंदर भी यही बात है। यहाँ पे एक डिफरेंस सिंपल ये है कि जैसे घर की वैल्यू अप्रिशिएट होती है, तो जब आप सर्विसेज, यहाँ पे टैक्सी की एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे घर के मुकाबले में इसकी वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट होती है। तो जब आप गाड़ी की पोर्शन बैंक को वापस करेंगे एज अ फाइनेंसर, तो आपने गाड़ी को रीअसेस करवाना है और देखना है कि 15 लाख की गाड़ी 2 साल बाद अब 12 लाख की हो चुकी है। तो अब बैंक का 80% 15 लाख के हिसाब से कुछ और बनता था और अब 12 लाख के हिसाब से उसका पोर्शन कुछ और बनता है। सो दिस इज हाउ यू अकोमोडेट द वैल्यू और द रिस्क इन टू द रीपेमेंट ऑफ दोज यूनिट्स। इसी तरह जब हम ट्रेड की बात करते हैं, जो हमने थर्ड एग्जांपल ली कि कारोबार करना है गारमेंट से रिलेटेड, कारोबार में ऊंच नीच होती रहती है, पोर्शन प्रॉफिट का तो डिसाइडेड है, लेकिन रीपेमेंट के टाइम कारोबार ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो इस चीज़ को कवर अप करने के लिए आप, क्योंकि वो फिक्स नहीं कर सकते, आपने जैसे हमने बैंक में मार्केट वैल्यू के साथ अटैच कर दिया, सॉरी हाउस के केस में मार्केट वैल्यू के साथ, गाड़ी के केस में डेप्रिशिएटेड वैल्यू के साथ, अब बिजनेस के केस में ये अप्रिशिएट भी हो सकता है और डेप्रिशिएट भी हो सकता है। हालात के हिसाब से अगर मार्केट के अंदर बूम आया तो गारमेंट्स का बिजनेस बहुत ऊपर जा सकता है, और रिसेशन चल रहा है तो बिजनेस नीचे भी आ सकता है। तो दोनों फैक्टर्स को अकोमोडेट करना है। इस केस के अंदर वो जो पैसे वापस करने हैं फाइनेंसर को, यानी वो जो फॉर द फाइनेंसर को हमने पैसे वापस करने हैं, उस सिचुएशन में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन क्या है कि वैल्यूएशन कर लें बिजनेस की उस वक्त, और अगर मार्केट की वैल्यू ज़्यादा है तो वो जो पैसे वापस करने हैं फाइनेंसर को वो ज़्यादा कर दें, अगर वो कम है तो कम कर दें, सिंपल असेसमेंट करवा लें। दूसरा तरीकाकार ये है जो कि ज़्यादा फिजिबल नहीं लगता, बट सिंस इट इज़ ऑल्सो एडमिसेबल, कि जो फाइनेंसर है उससे कहा जाए कि आप अपने बिजनेस की एस्टिमेट करवा के किसी थर्ड पार्टी से पूछें कि वो उसका कितना आपको हिस्सा देना चाहेगा। मिसाल के तौर पे फाइनेंसर ने 60 लाख रुपए कारोबार में लगाए थे, और कारोबार की सिचुएशन वो किसी थर्ड पार्टी के सामने रखता है और कहता है मैं इस कारोबार से बाहर निकलना चाहता हूँ, और अगर आप इस कारोबार में एंटर होना चाहते हैं तो आप मुझे बताएं मेरे पोर्शन का जो कि 60% ऑनरशिप है कितना पैसा देंगे। वो 70 लाख भी कह सकता है और वो 40 लाख भी कह सकता है। इन दोनों सिचुएशंस के अंदर आपने एक थर्ड पार्टी से असेसमेंट करवाई, और फिर आप इनिशियल बंदा जिसके साथ आपकी एक्चुअल में पार्टनरशिप है उससे बात करेंगे और कहेंगे कि बताएं आप मुझे कितना देंगे, और फिर ऑब्वियसली वो उतना ही देने के लिए एग्रीड होगा। लेकिन इस सिचुएशन में एक बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, इश्यू क्या आता है कि आप एक थर्ड इंजेक्टिंग अ न्यू पार्टनर, एक थर्ड पार्टनर को एंटर करने के लिए एक फिजिबिलिटी या लेआउट इस्टेब्लिश कर चुके होते हैं। तो उससे बिजनेस के अंदर, कारोबार के अंदर वैसे ही प्रॉब्लम आ सकती है। सो दिस इज वेयर इट ऑल दो बोथ आर अलाउड, बट प्रेफरेबली इज द फर्स्ट वन, खुद बैठ के असेसमेंट कर लें और देख लें कि 60% का क्या हासिल रिपेमेंट बनती है। सो दिस इज हाउ दिस चैप्टर इज बेसिकली एंड विद डिमिनिशिंग मुशारका। सिंपल, व्हाट इज द जिस्ट ऑफ दिस चैप्टर? यू एग्रीड विद फाइनेंसर, फाइनेंसर कुड बी एनी पार्टी इंक्लूडिंग अ बैंक, यू परचेज समथिंग, यू हायर सर्टेन सर्विसेज, एंड विद पैसेज ऑफ टाइम यू एग्री टू रीपे द अमाउंट ऑफ द फाइनेंसर, एंड इवेंचुअली यू बिकम 100% ऑनर। यही वो प्रिंसिपल है जिसकी बेसिस के ऊपर आपके जो ये जो घरों के अंदर या जो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर चीज़ें मिलती हैं, वो बिल्कुल इसी प्रिंसिपल को यूज़ करता है कि एक आइटम है जिसकी 100 रुपये कीमत है, आपके पास 40 रुपये हैं, वो 100 की बजाय आपसे कहते हैं कि दी रेंट की वैल्यू इसके अंदर ऐड कर लेते हैं, मैं अपना प्रॉफिट ऐड कर लेता हूँ, तो मैं आपको 120 रुपये की दूंगा। 40 आपने दिए और टोटल ये 120 की हुई, तो आपने मुझे अब 80 रुपये पे करने हैं, और 80 रुपये की फर्दर इंस्टॉलमेंट्स बना दी जाती हैं। तो वो जो रेंट का फैक्टर है उसको ऑलरेडी डिफरेंट वे में अकोमोडेट कर दिया जाता है, या प्रॉफिट को उसके अंदर ऐड कर लिया जाता है, और उस प्रॉफिट को ऐड करने से इंस्टॉलमेंट्स की वैल्यू एडजस्ट करके आपको बता दिया जाता है कि आपने हर मंथ इतने पैसे देने हैं, क्योंकि एसेट इन्वॉल्व होता है, लिहाजा एसेट के इन्वॉल्व होने से आपका वो प्रोसेस सूद के फैक्टर के अंदर नहीं जाता। इसके बाद जी हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे, मुराबा। इसी तरह की फाइनेंसिंग टेक्निक्स हैं डिफरेंट प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए। तो मुशारका तक और डिमोलिशन मुशारका तक कोई आपका सवाल हुआ तो आई विल बी अवेलेबल बाय द क्लास टाइम, यू मे बी एबल टू आस्क। टिल देन थैंक यू सो मच, विल सी यू लेटर ऑन।